Welcome back to RCI. In the last and previous class, I taught you parts of a speech. लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा उसे डिटेल में बताऊंगा. एक्चुअली मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो क्लास है, इसमें मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ. ओवरव्यू का मतलब होता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना जरूरी क्यों है, ऐसे पढ़ करके हमारी कौन कौन सी क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, खास करके वो क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आते हैं. तो ये हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. और मेरे पढ़ाने के अनुभव के आधार पर मैंने ये चीज़ भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को हैव, हैज, डिड, डू, डैट ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है. तो ये परेशानी को सोल्व करने का एक ही तरीका है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्यों पढ़े और इससे क्या हमारी परेशानियाँ सोल्व हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. और इस वीडियो को देखिए. तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, है ना. मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस जो लिखा होता है ना, जैसे मैंने राम इज गोइंग टू प्ले इन द पार्क, है ना, ये एक सेंटेंस है. और ये प्रत्येक सेंटेंस का जो एक वर्ड है, देख रहे हैं आप, टू प्ले इन द पार्क, ये सारे के सारे जो वर्ड है, ये सबके सब का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है. और यही आइडेंटिफिकेशन को हम आठ भागों में बांट दिए, प्रत्येक का अपना नाम होता, इसको आठ भागों में बांट दिए और इसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. हमने इसको क्यों बांटा है, क्योंकि प्रत्येक का काम अलग अलग होता है और प्रत्येक अलग अलग तरीके से बिहेव करता है. यानी दुनिया में जितना भी वर्ड हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, किताबों में लिखा हुआ कहाँ से आते हैं, उनका भी एक नाम या पहचान है. वो नाम क्या हो सकते हैं, बस आठ ही हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आएंगे. यानी कि दुनिया में जितने भी चीज़ हैं सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के में ही अंतर्गत आते हैं, उनसे बाहर कोई भी नहीं आता है. तो ठीक है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर चुका था और मैंने बताया कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के फायदे क्या हैं और ये किस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में आपके बहुत बड़ा दोस्त के रूप में सहायक हो सकता है. क्योंकि अगर आपको इसके ऊपर कमांड होगा तो आप किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे. हम मान के नहीं चलते हैं, बल्कि हम आपको गारंटी बता रहे हैं कि 15 मार्क्स आपके सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं. सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स, एक दो मार्क्स नहीं. यानी अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को कमांड कर लेते हैं तो 15 मार्क्स, मतलब 15 मार्क्स आपको बड़ी आसानी से आ जाएंगे. और ये कुछ नहीं, केवल पहचानना है आपको, करना कुछ नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो आठ भाग होते हैं उसे पहचानना है. और ये मैं बता रहा हूँ कि इसकी पहचान कैसे होगी. चलिए तो हम शुरू करते हैं. देखिए, हम पहला भाग ले रहे हैं नाउन, है ना. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो नाउन होता है वो क्या होता है. ठीक है, ये पूरी दुनिया जो है, ये दुनिया में हम लोग रहते हैं, पूरा वर्ल्ड है. ठीक है, इस दुनिया में जानवर, पक्षी, सब कुछ, जो कुछ भी आप देख पाते हैं उसका एक नाम होता है. क्या होता है, उसका एक नाम होता है. जैसे कि हम, मेरे हाथ में क्या है, पेन है, इसका एक नाम है. मैं कौन हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन इसका भी एक नाम है, इसका भी एक नाम है. जितने भी चीज़ आप देखते हैं सारे चीज़ का एक नाम होता है. क्लियर. अब ये जो नाम होता है ना, इसी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा. तो पूरी दुनिया में जो कुछ भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो नाउन है. अब देखिए, हम एक सेंटेंस लेते हैं. पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाने का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हर कोई जानता है. क्लियर. हमने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि जिसमें एक संज्ञा भी भाग है, वो आठ प्रकार के होते हैं. बताया था मैंने, नाउन, प्रोनाउन, पता होगा, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना, आपका प्रीपोजिशन, चलिए और आगे लिखेंगे, जब जब जरूरत पड़ेगा तब इसको आगे बढ़ा लिया जाएगा. हम, आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. अब यहां पर आप देखिए, सबसे ज्यादा हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, है ना, ये तीनों का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या ये सारे भाग बेकार हैं, बिल्कुल बेकार नहीं, इनका भी उपयोग है, लेकिन सबसे ज्यादा इन तीनों का प्रयोग होता है. यानी थोड़े समय के लिए हम देखें तो ये कह सकते हैं कि हम सबके बगैर थोड़ा देर के लिए इंग्लिश चला सकते हैं, लेकिन इसके बगैर हमारा सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं बनेगा. इसीलिए सबसे ज्यादा ये यूज आता है और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबर में ही आता है, ये टॉप क्लास में ही आता है. रीजन क्या है, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है. तो हम अभी आपको ये बता रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर
होता है। अब चलिए इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझिए और देखते हैं कि यह स्ट्रक्चर में हम कैसे पहचान पाएंगे कि क्या चीज होता है। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट दो ही प्रकार की चीज से बना हो सकता है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो सब्जेक्ट में तीसरा चीज आएगा। पहला होगा नाउन, दूसरा होगा प्रोनाउन। लीजिए कितना काम आसान हो गया आपका, यानी जहां कहीं भी आप सब्जेक्ट देखेंगे तो आपको इतना तो जानकारी मिल जाएगा कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग हैं, ये बिल्कुल है नाउन है या तो प्रोनाउन होगा, बिल्कुल आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब इस जगह पे जैसे क्लियर हो जाता है तो आप बिल्कुल आसान से क्वेश्चन लेंगे। उसके देखिए मैं बताने के बाद, समझाने के बाद आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि किस प्रकार से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए हमने क्या बोला कि अगर किसी भी भाग का सेंटेंस का पहला जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। वर्ब को तो हम जानते हैं, इज एम आर वाज वेयर प्लस प्ले ईट स्लीप्स ड्रिंक रहता है। चलो वो आप समझ जाएंगे, इसके लिए हम बाद में बात करते हैं, है ना। अब ये देख लेते हैं, हम नाउन की बात कर रहे हैं इसलिए हम नाउन के बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे यहाँ पे, ताकि एक एक करके क्लियर करना है। हम वर्ब पे भी आएंगे, ऐसा नहीं कि वर्ब को छोड़ेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में भी दो ही चीज यूज होता है, नाउन या तो प्रोनाउन। क्लियर है मेरे स्टूडेंट? देखिए तो अगर हमने तो दो चीज क्लियर हो गया कि हम जो भी सेंटेंस बनाते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अगर ये हिला तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे लिए बेहतर काम होगा आपके लिए कि आप इसको समझ जाइए, नाउन प्रोनाउन, ठीक है। क्लियर? तो हमारा सब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। हमारा ऑब्जेक्ट होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि हमारा ये दोनों क्लियर हो गया। अब छह पार्ट है जो अलग ही आएंगे, ये सिक्स पार्ट है ना, ये जो सिक्स पार्ट है वो अलग ही आएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्या। मान लिया जाए कि आपने अपने जीवन में कहीं पे कुछ लिखा हुआ देखा है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसके मैजिक को कि आप किस प्रकार से इस मेथड को यूज करके आप पहचान पाएंगे कि कोई भी चीज नाउन है या प्रोनाउन है। कभी आपने सुना ही नहीं कोई भी चीज, एक ऐसा सेंटेंस आपके सामने आता है जो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, है ना। इंट्रो इंट्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब मैंने आपको तो पता होगा कि मान लीजिए कि आपने कभी जिंदगी में भी इंट्रोडक्शन शब्द को नहीं सुना। क्लियर? आपको नहीं पता था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, पहली बार आपने सुना, और आपको नहीं पता कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप बिल्कुल आराम से जान सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा एक चीज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो आप बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको पता ही होगा। अब जब आपको ये पता होता कि ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट की जगह आया, तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर दो ही चीज आ सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है, ये प्रोनाउन तो नहीं हो सकता, ठीक है, नाउन हो सकता है या तो नाउन। चलिए ठीक है, कुछ भी नहीं पता, आप इतना तो बोल ही दोगे नहीं ये तो नाउन है ये तो प्रोनाउन है। कम से कम ये आठ में से छह गलतियों को तो आप छाड़ दोगे, दो पे तो आ जाओगे, जीरो, दो पे तो आ जाओगे ना, यानी कि गलती होने की संभावना आठ से कितना पे आ रहा है, दो पे आ रहा है, यानी ऑप्शन आपके बढ़ते जा रहे हैं। यानी यहां पर कहने का मतलब सिर्फ आप दो में से एक आराम से लगा दोगे, थोड़ा आगे चलेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है। यानी कम से कम दो पे तो आ रहे हो, लिस्ट में दो नंबर पे तो आ रहे हो, छह से नहीं, दो पे आ रहे हो। यानी कहीं ना कहीं आप इसको भाप लोगे, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये हमारा नाउन है। यहां पर तो क्लियर हो गया कि नाउन को हम बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए दूसरी बात हम करते हैं, है ना, एक और सेंटेंस लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब ये भी हमें पता होता है, ठीक है, एक मैंने सेंटेंस लिया शी नीड्स मी। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है,
अब हमने यहां देखा कि भाई ये जब भी होगा नॉन प्रोनाउन होगा और ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से है ना आपको ये जानकारी तो मिल रही है, यानी नाउन अगर आप जान जाते हैं पहचानना किसी सेंटेंस में तो आपको पता चल जाता है कि नाउन के बगल में क्या होता है और उसके बगल में क्या होता है, यानी इतना तो क्लियर हो जाता है कि एक नाउन की बदौलत आप ये भी पहचान देते कि सामने वाला वर्ब होता है। क्योंकि ये ठीक है पढ़ाई के टेक्निकल इशू आ गए थे, ठीक है नाउन ये तो क्लियर हो जाता है कि ये अगर ये पता हो जाता कि ये नाउन है तो यहां पता होता कि इसके बगल में आने वाला वर्ब है, तो यहां तो क्लियर हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है आपको मैं मोटा मोटी बता रहा हूं, ज्यादा बड़ा चीज नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल ये चीज बता रहा हूं कि आप किस प्रकार से इन सारे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब को पहचान पाएंगे, और ये पहचान काफी आसान होता है। अगर इस पहचान को आप क्लियर कर लेंगे बस इतना ही तो होता है एग्जामिनेशन में। जैसा कि मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन दूंगा, अभी देखिए क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, है ना यहाँ पर फिल देना ब्लैंक्स रहेगा। हाँ ये जो फेमस इंडिया, ठीक है अब यहां पर मैंने यहां दे दिया, क्रिकेट, दूसरा प्लेस, तीसरा वेरी गुड, चौथा स्लोली। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम दे दिए हैं ना, बिल्कुल अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये रूल पहचानने का पता होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो आपको पता है कि ये सब्जेक्ट है, क्या है बाबू सब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है, वर्ब है ये, अब वर्ब के पहले क्या आएगा, निश्चित है मैंने आपको बताया था या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पर कौन सा नाउन और प्रोनाउन नजर आ रहा है, ये प्लेस तो क्रिया है आपको पता है ये नहीं होगा, वेरी गुड एडजेक्टिव है, स्लोली एडवर्ब है, ये क्रिकेट एक नाम आ रहा है ये क्रिकेट हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन काफी समान और सिंपल था लेकिन ये क्वेश्चन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके लिए है ना, इस प्रकार से बिहार बोर्ड में पूछा जाता है ताकि बच्चे का चेक किया जाता है कि वो किस प्रकार से नाउन और प्रोनाउन को समझता है। अगर पहचान नहीं होगी तो आप बहुत सारी गलतियां कर दोगे, जिस प्रकार से आप अपनी जिंदगी में एक गलत पार्टनर चुन लेते हो तो आप धोखा खा जाते हो और आपको काफी घाटा होता है, इसी प्रकार से गलत आंसर चुनने पे आपके लाइफ में काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम आपको, अट्रैक्ट्स एवरी वन, है ना अट्रैक्ट्स एवरी वन, पहला दे दिया आपको ऑप्शन में दे दिया बाबू, ए में दे दिया आपको ब्यूटी, एक मिनट ब्यूटीफुल, बी में चलते हैं ब्यूटी फाइव, ब्यूटीफाई सी, ब्यूटी ना ब्यूटी, यहाँ पर नन कर दे, चलो डाउन
अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई, ब्यूटी, नन। अब ये चारों में से कौन सा आंसर है? देखो देखने में सब एक ही लग रहा है कि सुंदरता आकर्षित करती सबको, लेकिन क्या आपके पास क्षमता है कि आप पहचान पाए कि कौन नाउन है? ठीक है, ये क्या है? ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुल, अब यहां पर आंसर होगा ब्यूटी, सुंदरता सबको आकर्षित करती है। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल बोलते हैं। तो ये जो है एडजेक्टिव है, ब्यूटीफाई ये वर्ब है, ही ब्यूटीफाई हिज हाउस ये आपका वर्ब है, ये क्या है? ये आपका नाउन है। तो हमने मुझे पकड़ आ गया क्योंकि मैं इसे समझ रहा हूं, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो यहां पर वर्ब है वर्ब के बाद क्या आएगा? बिल्कुल नाउन आएगा, तो आप इसे पहचान लेंगे आगे के, जैसे हम बताएंगे आपको सारा चीज को किस प्रकार से पहचानना, चाहे वर्ब हो, एडवर्ब हो, कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन हो, सबको पहचान अलग अलग आगे के क्लास में हम बताते जाएंगे, जो कि आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आप बिल्कुल आसानी से ऐसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा बिहार बोर्ड में इस प्रकार का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और आपने इसे क्वेश्चनों में देखा ही होगा, और इसी कारण से हमारा 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, और ये नहीं आने के कारण हमें काफी दिक्कत होता है। चलिए तो अब हम बताते हैं कि हमें किस लिए, जैसे हमने देखा नाउन को, है ना, नाउन को देखा, नाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सेंस को समझने के लिए। है ना कि हमारा सेंस कैसे निकलेगा, किस सेंटेंस में कहां पे नाउन है, कहां पे प्रोनाउन है और कहां पे वर्ब है, इन सारे तीनों मिलाकर के हमारा सेंस क्लियर हो पाता है। इसलिए हम अगर नाउन समझ जाएंगे तो उस सेंटेंस का सेंस समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, तो नाउन, अब हम प्रोनाउन की बात कर लेते हैं कि प्रोनाउन का उपयोग क्यों होता है। ठीक है, अब प्रोनाउन का यूज होता है टेंस को समझने के लिए। जी हाँ, टेंस को समझने के लिए। अगर हमें प्रोनाउन पता हो तो हम बहुत ही आराम से, सॉरी वर्ब को समझने के लिए, टेंस नहीं यहां पर, सॉरी गलती हो गया, वर्ब को समझने के लिए, और आगे बताएंगे वर्ब को समझने के लिए। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, अगर नाउन हम समझ गए, किसी भी सेंटेंस में पहचान लिए, तो समझ जाइए कि आप कुछ भी नहीं जानते फिर भी आप उसको सेंस निकाल लेंगे बिल्कुल आराम से। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इंट्रोस्पेक्शन में, परफेक्शन में, इंट्रोडक्शन में, इन सारे वर्ड जो आपने कभी नहीं सुना है वो किस प्रकार से आपने पहचान लिया कि ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। चलिए प्रोनाउन की बात कर लेते। देखिए उदाहरण के लिए वर्ब को कैसे पहचानेंगे, हम जानते हैं सबसे पहले देख ले प्रोनाउन क्या होता है। देखिए प्रोनाउन जो होता है वो संज्ञा के आने वाले शब्द को कहते हैं। हम बार बार नहीं कह सकते हैं कि राहुल जा रहा है, राहुल खेल रहा है, राहुल बोल रहा है, राहुल लिख रहा है, बल्कि हम कहते हैं, है ना, अगर कोई नाम हो, जैसे कोई लड़की का नाम हो, रीता, गीता, सीता, तो हम इसको क्या बोलते हैं? शी। किसी एक लड़की का नाम क्या हो जाएगा? शी। अगर वही लड़का हो, मोहन, सोहन, राम, इसको बोलते हैं ही। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि हम लड़की के लिए शी और लड़के के लिए ही लगाते हैं। ये क्या है? ये प्रोनाउन है, है ना, लड़कियों के लिए शी, लड़का के लिए ही, इस प्रकार से और भी प्रोनाउन होते हैं। अब मैं बताता हूं कि इसका यूज कैसे होता है वर्ब को डिसाइड करने में। अगर हमें ये पता होता है कि यू हमारा प्रोनाउन है तो हम इसके साथ बहुत आराम से वर्ब लगा लेते हैं, आर, है ना, वर, पास्ट में वर लगाते हैं और हैव में हैव लगा लेते हैं। क्लियर, इससे हमें बिल्कुल पता चल जाता है कि हमारा वर्ब क्या होगा। अगर शी है जिसके साथ इज लगा लेते हैं, पास्ट में वाज, है ना, हैज, इस प्रकार से डज, ठीक है, लगा लेते हैं, तो हमें क्या ज्ञान होता है? हमें ये ज्ञान हो रहा है, वर्ब का ज्ञान हो रहा है। तो वर्ब का ज्ञान करवाने के लिए हमें कौन मदद कर रहा है? हमें मदद कर रहा प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है कि पार्ट्स को सिर्फ जब नाउन जान गए तो सेंस आ गया, और प्रोनाउन जान गए तो वर्ब को लगाने में सक्षम हो जाएंगे और आपकी गलतियां कम हो जाएगी, आपकी गलतियां कम हो जाएगी। और इसी प्रकार से हम क्वेश्चन भी देख लेते कि कैसे इसका क्वेश्चन आता है, है ना, आप क्वेश्चन बहुत सारी गलतियां कर देंगे और इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए कैसे रहता है वो,
ठीक है, दे हैव डन दिस वर्क, उन्होंने इस काम को किया, यहां पर दे देंगे आपको हैव वाज वर्क। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको हैज थर्ड पर्सन के साथ लगता है, ये आपको पता चल गया कि यार ये तो थर्ड पर्सन के साथ लगता है, और ठीक है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए, प्लूरल है आपको तो, क्योंकि प्रोनाउन से तो ये पता चल जाएगा ना कि वर्ब जो लगेगा कैसा लगेगा, प्लूरल, बिल्कुल आप प्लूरल लगा देंगे, बहुत आराम से आपको प्लूरल लग जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रोनाउन जो है मदद करेगा वर्ब को सिलेक्शन करने में। ठीक है, हमने आपको क्लियर कर दिया, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप कमेंट जरूर लिखिए कि किस प्रकार से आपको क्लास लग रहा है और कौन कौन से आपके लिए आपको पसंद आया और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, हम बात कर लेते हैं नाउन प्रोनाउन वर्ब फॉर्म। ठीक है, अब वर्ब से क्या हो जाता है, अगर आप वर्ब को जान जाते हैं ना, वर्ब को समझ लेते हैं तो क्या पता चल जाता है, टेंस, टेंस को समझने के लिए है ना। अब जैसे मैंने बोला राहुल प्लेड, फुटबॉल, राहुल ने फुटबॉल खेला, तो अब यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि प्लेड लिखा हुआ है, तो प्लेड लिखा हुआ है इसका मतलब ये पास्ट में है, तो पास्ट में है यानी कि हम जब भी कोई भी टेंस को पहचानेंगे तो किससे पहचानेंगे, वर्ब से, ये कौन सा टेंस है पास्ट में है ना। उदाहरण के लिए फिर दूसरा देखते हैं, सी हैज गॉन टू स्कूल है ना, हमारा नियम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी पे हमारा चलता है, हमने वर्ब को देखा और वर्ब देखते ही हमने क्या बता दिया, ये तो हमको पता है कि ये तो नॉन प्रोनाउन होगा, नॉन प्रोनाउन होगा, अब ये पता चल गया कि कौन सा टेंस का है, तो हमें क्लियर होता जा रहा है कि हमारा वर्ब किस प्रकार से हमें मदद करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, अगर एक को आप पकड़ लिए तो दूसरा पकड़ा जाएगा, बिल्कुल आराम से उसे पकड़ लेंगे और उसके अनुसार आप नियम लगा करके बिल्कुल गलती करने से बच जाएंगे और आपका मार्क्स काफी अच्छा आएगा, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्विस्ट किया रहता है, और अगर आप इसे आसानी से पहचान जाए, जांच लेने से आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको इनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए तो भर्ब को आपने देख लिया कि किस प्रकार से भर्ब नाउन से जुड़ा होता है और कैसे वो प्रोनाउन को इफेक्ट करता है और नाउन को इफेक्ट करता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा चौथा जो कि है एडजेक्टिव। आई होप कि क्लास अच्छा लग रहा होगा, हम सब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें पता चलता है कि हमें आपके लिए और भी कोर्सेज करनी है, आपके लिए कोशिश हमारी जारी रहेगी, बस आप थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ाइए और कुछ नहीं करना, बिल्कुल मैजिकल तरीके से आपको सिखाना। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं हमारा है चौथा एडजेक्टिव। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्या करता है, ये किसी भी नाउन की बड़ाई करता है, नाउन को प्रशंसा करता है, अप्रिशिएट करता है, अप्रिशिएट करता है, बढ़ाई करता है नाउन को। अब देखिए यहां पर सेंटेंस को देखते हैं और पता कर लेते हैं, केवल हमको यह जानना कि कौन क्या करता है, कौन कौन हर एक का काम है। मैंने बताया है कि आप एक पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे जो कि बहुत सारे वर्ड का बना, उसका अपना आइडेंटिफिकेशन है, प्रत्येक का अपना काम होता है, उन काम को पहचान जाइएगा ना, तो उसमें एक ऐसा कनेक्शन होता है कि एक को पकड़िएगा तो दूसरा आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है ना, जैसे आपके पास कोई मित्र आता है और आप उससे बोलते हैं अरे कुछ खा लो, नहीं यार खाना नहीं खाना, तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाता है कि बंदा खाया हुआ है, अगर नहीं खाया होता तो ये भमोर के खाने वाला है, ये तो नहीं बोला इसका मतलब खा लिया, तो आपका दिमाग सेंस काम कर जाता क्योंकि एक कनेक्शन है नहीं खाने और खाने के बीच। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कनेक्शन है कि नाउन आएगा तो वर्ब को कैसे इफेक्ट करेगा और कैसे वर्ब आएगा तो नाउन को इफेक्ट करेगा और एडजेक्टिव रहेगा तो क्या हुआ। तो चलिए एडजेक्टिव देख लेते हैं, बहुत अच्छा है पार्ट, ये नाम को अप्रिशिएट करता है, उदाहरण के लिए सी इज ब्यूटीफुल। अब देखिए हम जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट,
अब ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर है, तो कौन सुंदर है? ये सुंदर है, यानी क्या कर रहा है, नाउन प्रोनाउन को, है ना, नाउन को और प्रोनाउन को, प्रोनाउन है ना, ये नाउन और प्रोनाउन को क्या कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है कि वो है तो कैसी है, वो सुंदर है ना। इसी प्रकार से और भी सेंटेंस हम देखते हैं, है ना, आई सा ए, आई सा ए ब्लैक एस एन ए की स्नेक। अब देखिए मैंने यहां पर लिखा आई सा ए ब्लैक स्नेक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हमारा नाउन है, लेकिन नाउन में ये क्या है, क्वेश्चन उठता है, ये भी तो कोई पार्ट ऑफ स्पीच का है ना, कोई भाग तो है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सेंटेंस में जो भी होता है सबका अपना अपना काम होता है, और सब काम अपना काम, उसका अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रत्येक लड़के अपने क्लास में होते हैं, सबका अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, सबका नाम अलग अलग होता है, पिताजी का नाम अलग होता है। तो बताइए यहाँ तो हमने देख लिया भैया, आई मैंने तो आपका प्रोनाउन हो गया, सा वर्ब हो गया, ए आर्टिकल हो गया, स्नेक नाउन हो गया, अब ये नाउन जो हो गया, लेकिन ये क्या है भाई, ये अब आपको पता करना है, तो मैं बताता हूँ ये एडजेक्टिव है, कैसे पता करेंगे, ये स्नेक ही नहीं है, ब्लैक स्नेक है, तो इसकी क्या कर रहा, अप्रिशिएट कर रहा कि स्नेक है तो कैसा है ना, उसका कोई कलर कुछ तो होता होगा ना, ऐसे थोड़ी कि ना होता है। तो इस प्रकार से हमें ये पता चल गया कि जो स्नेक है ये ब्लैक है, उसके क्वालिटी को बताता है ना। तो हमारा एडजेक्टिव तक हो गया आपको, फोर्थ तक, ठीक है ना, कल फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन्थ हम आपको ये बता देंगे किस प्रकार से नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अब एक बार बढ़िया से हमारे वीडियो को देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है, और आप बिल्कुल आसानी से समझ करके इस प्रकार की जो गलतियां होती है, हमारा 50 मार्क्स जो कट जाता है बिना वजह से, है ना, वो कभी नहीं कटेगा आपका। और आप हमें कॉमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, और क्या अगर कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर लिखिएगा ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूं। थैंक यू, गुड बाय।